इसके दिग्गज नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने लोकसभा चुनाव के ऐन मुहाने पर कांग्रेस को राम राम कह दिया है, जिसको लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं अशोक चौहान के इस्तीफे तथा जिले की कांग्रेस की स्थिति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तथा विधायक सुभाष धोटे ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, आइए जानते हैं इस खबर में। महाराष्ट्र राज्य में इस समय डबल इंजन की सरकार है, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के शिंदे गुट के साथ में सरकार बनाई और शिवसेना के एकनाथ शिंदे इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही में अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार का दामन छोड़कर अजीत पवार ने एक अलग गुट के साथ में समर्थन के देते हुए सरकार में शामिल हुए। वहीं भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार भी दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। और वहीं अब विधिवत शिंदे गुट को तथा अजीत पवार गुट को चुनाव आयोग ने मान्यता भी दे दी है। वहीं अब एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के साथ कुछ लोग भाजपा का दामन थाम सकते हैं, मगर ऐसे में चंद्रपुर जिले में भी इसको लेकर तमाम तरह के तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। वहीं चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा के विधायक तथा कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता वहीं कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष धोटे ने इन सारी बातों को बेबुनियाद बताते हुए अपनी ओर से क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, आप स्वयं सुने उन्हीं जवानी। आज सकाळ पासून राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ज्या काही माझ्याबद्दल उलटसुलट बातम्या येत आहे की बा सुभाष धोटेनेसुद्धा काँग्रेस पक्ष सोडला आणि राजीनामा दिला, हे सगळं चुकीचं आहे। कुठलाही राजीनामा दिला नाही आहे, मी काँग्रेस पक्षामध्येच राहणार आहे, मी काँग्रेसचा जिल्हाध्यक्ष आहे, माझी पक्षावर निष्ठा आहे, त्यामुळे हा विषय अत्यंत चुकीचा आहे। अशोक चव्हाण साहेबांनी राजीनामा देऊन ते कुठल्या पक्षात जाणार मला काही माहिती नाही, पण जिथं जातील तिथं त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहे। माझा कुठलाही पक्ष सोडण्याचा माझ्या मनात पण नाही, माझा विचार पण नाही, मी काँग्रेस पक्षासोबतच राहणार आणि काँग्रेस पक्षाचं काम करणार। अब देखना यह है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति किस करवट बदलती है, क्योंकि कुछ ही समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को कांग्रेस को राम राम कर दिए जाने पर राज्य की परिस्थिति में और बदलाव आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सीटीवी के लिए वैभव रियारकर की विशेष रिपोर्ट।